चलता है कि अगर कोई सब्सटेंस या कोई कंपाउंड सोर है, खट्टा है टेस्ट में, दैट इज कॉल्ड एज एसिड. एंड इफ एनी कंपाउंड विच इज बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में कड़वा है, सो इट इज बेस. ओके, लेकिन सारे कंपाउंड को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं. मे बी सम कंपाउंड्स आर पॉइजनस इन नेचर. ओके, सो ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड लेमन में होता है, टार्टेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. नेक्स्ट इज इंडिकेटर. इंडिकेटर, सो इंडिकेटर्स इज डिफाइंड एज इट इज अ सब्सटेंस और केमिकल दैट इंडिकेट द गिवन कंपाउंड इज एसिड और बेस बाय चेंजिंग इट्स कलर. ओके, इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने कलर को दूसरे कलर में चेंज कर लेते हैं और ये बताते हैं कि ये जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है. ठीक है, तो दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं हम कह सकते हैं. हाँ, दो टाइप के, एक होते हैं सिंथेटिक और एक होता है हमारा नेचुरल. तो अगर हम सिंथेटिक की बात करें तो हमारे पास दो हैं, एक मिथाइल ऑरेंज और एक फिनोफ्थलीन. तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है हमारा वो एसिड में, ठीक है, एसिड में हमारा रेड कलर देता है. यानी अगर मिथाइल ऑरेंज लिया गया और उसमें एसिड में मिला दिया जाए तो वो रेड कलर देता है, दैट विल इंडिकेट इट इज़ एसिड. एंड इफ इट इज इट गिव येलो कलर देन इट इज़ बेस. ओके, नेक्स्ट इज फिनॉक्थिलीन. फिनॉक्थिलीन जो होता है एसिड में हमारा कलरलेस हो जाता है, और अगर हम बात करें बेस की तो उसमें ही हमारा कैसा कलर देता है, पर्पल कलर और पिंकिश में भी. ओके, सो एट नॉट पिंकिश, इट्स पर्पल इन कलर. ओके, सो ये दो नेचुरल सिंथेटिक इंडिकेटर हैं. अगर हम बात करें नेचुरल इंडिकेटर की, तो नेचुरल इंडिकेटर में हमें बहुत सारे मिलेंगे. लिटमस मिलेगा, टर्मरिक, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो इंडिकेटर दो होते हैं, एक होता है आपका सिंथेटिक और एक होता है नेचुरल. अगर हम सिंथेटिक की बात करते हैं तो सिंथेटिक ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो लैब में प्रिपेयर किए जा सकते हैं, एंड नेचुरल ये नेचुरली हमारा नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, तो सिंथेटिक में दो आते हैं, एक होता है हमारा मिथाइल ऑरेंज और एक होता है फिनॉफ्थलीन. अब बात करते हैं ये कलर कैसा देता है. अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं तो ये अगर एसिड में जाता है तो ये रेड कलर देता है, और अगर हम बात करते हैं बेस की तो ये जो कलर देता है वो होता है येलो कलर. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट फिनॉफ्थलीन, फिनॉफ्थलीन जो होता है वो एसिड के साथ कलरलेस हो जाता है, अपना कलर जो होता है वो खो देता है, और अगर हम बात करें बेस की तो इट विल गिव पर्पल कलर. ओके, बात